दोस्तों नमस्कार। यूपी चुनाव के चलते बीजेपी के नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जनता से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं यही संपर्क अब बीजेपी नेताओं को महंगा पड़ने लगा है। इसी क्रम में अपने ही क्षेत्र में घिरे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का जबरदस्त विरोध, पिटाई होते होते बची। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू की विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते वह यहां पर जनता से संपर्क साधने पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी, जहां पर महिलाओं ने उनका जबरदस्त विरोध किया। इतना ही नहीं, महिलाओं ने उनके मुंह पर दरवाजा तक बंद कर दिया और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में दोस्तों स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती नजर आ रही हैं। उनके ऊपर महिलाओं ने चूड़ियां भी फेंकी। देख सकते हैं कितना आक्रोश है जनता में बीजेपी नेताओं के प्रति, और यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध भी हुआ जमकर। जब डिप्टी सीएम का ये हाल है तो विधायकों की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा दोस्तों आप खुद ही लगा सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।